बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हब। क्या हाल है व्यूअर्स, ठीक ठाक है? मौसम काफी चेंज हो रहा है। आज ब्यूटी हब में मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ, ये एक फेस मास्क है। आप इस फेस मास्क को वीक में एक या दो दफा बनाकर अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। इसमें हनी ऐड है, हनी जो होती है, शहद जो होती है, ये हमारी स्किन की निगरानी करती है, हमारी स्किन को यंग लुक देने में इसका अहम किरदार होता है। इसके अलावा इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। दूध होता है इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को साफ सुथरा करता है, गोरा चट्टा करता है। इसके अलावा थर्ड में मेरे पास यहाँ पर है गुलाब की पत्ती, यानी गुलाब की पत्तियों का रोज पेटल का पाउडर। ये देखिए मैंने पंसार शॉप से मंगवा कर इसको एक बॉक्स के अंदर सेव कर लिया। आप इस तरह मंगवा सकते हैं, किसी पंसार शॉप से आपको इजीली मिल जाएगा। तो आए अपनी शुरू करते हैं अपनी आज की रेमेडी। ये रेमेडी जो है ये फेस मास्क है। ये फेस मास्क जो है ये आपकी स्किन को टाइट करेगा, सन टैन से बचाएगा। ये मास्क जो होता है ये आपकी स्किन के ऊपर धूप के असरात, शुआओं को इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं होने देगा। आपकी स्किन को प्रोटेक्शन फ्राम करेगा, ना सिर्फ बाहर से प्रोटेक्शन देगा बल्कि ये अंदर से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्शन फ्राम करेगा। बस यहाँ पर है दूध थोड़ा सा, ये देखिए 2 से 3 चम्मच दूध है। इसके अंदर व्यस्त मैं डालूंगी रॉ हनी, उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी एवियन कैप्सूल, उसके बाद लास्ट में जो एम इंग्रेडिएंट है इस रेमेडी का वो है रोज पेटल, जी हाँ गुलाब की पत्तियों का पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट मैंने मिल्क के अंदर डाल दिए। अब मैंने इसको मिक्स करना है 2 से 4 मिनट तक, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा फेस के ऊपर अप्लाई करने के लिए। आप 3 से 4 दफा इसको बनाकर यूज करें मंथ में, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। ये स्किन के अंदर कोलेजन की मिकदार को बढ़ाएगा, आपकी कोलेजन की मिकदार को बूस्ट करेगा। आप अपनी स्किन में अपने रोजमर्रा की मील में अपनी डाइट में ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो जिनमें मिनरल्स विटामिन मुकम्मल हों और वो आपकी स्किन को ना सिर्फ बाहर से निगरानी करें वो आपकी स्किन को अंदर से भी प्रोटेक्शन फ्राहम करें। हमारा पेस्ट रेडी हो गया, ये देखें। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका हल्का सा लेप लेके इस तरह अपने हैंड के ऊपर अपने इस तरह लेके हल्का सा लेप लेके इस तरह आप इसको अपने फेस के ऊपर इस तरह इसको लगाएं। इस तरह आपने इसको लगाना है फेस के ऊपर, उसका थोड़ा सा मसाज देना है क्योंकि मसाज होता है वो आपने सर्कुलर मोशन में देना है। इसके मैंने व्यूअर्स पहले भी बताया कि मसाज जितना अच्छा होगा स्किन उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ग्लो करेगी। इस तरह मसाज करने के बाद आपने इसको 2-4 मिनट तक छोड़ना है और उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। अपने हैंड को वॉश कर रही हूँ आपको रिजल्ट दिखाने के लिए। मेरे हैंड की स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है, बहुत नरम हो गई है, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, मुझे खुद फील हो रहा है। मेरी हैंड की स्किन देखिए, रिजल्ट चेक करें आप। आपके सामने मैंने इसको वॉश किया है, कैम में आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे हाथ की स्किन किस कदर खूबसूरत चमकदार हो गई है, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, मुझे इसका रिजल्ट खुद भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये देखिए आप प्लीज़ बनाइएगा स्पेस को, जरूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी इस रेमेडी से बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी बस, तो कैसी लगी मेरी आज की रेमेडी? मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेमेडी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छी डिफरेंट रेमेडी के साथ फिर आऊंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में अपने साथ दूसरों को भी याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।